So we are here in Azamgarh to meet the candidate, the BJP candidate from here, Mr. Dinesh Lal Yadav. हम आपको आपके ब्रेकफास्ट में डिस्टर्ब कर रहे हैं, आई एम सॉरी टू से दिस, बट आपका दिन बहुत बिजी रहता होगा आजकल के. कैसा ट्रांजिशन रहा, अगर आप थोड़ा बता पाए हमारी ऑडियंस को कि किस तरह से आपने सोचा कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे? मैंने तो कभी नहीं सोचा था मैं पॉलिटिक्स में होगा, तो मुझे लगता था कि ये मेरे लिए नहीं है. पर परिस्थितियां ऐसी बनी कि मुझे आना. क्यों, मतलब थोड़ा बताएं. जैसे मैं मानता हूँ लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जनता की राय क्या है, जनता क्या चाहती है. वो प्रजातंत्र और राजतंत्र होता था जब एक आदमी राजा है, उसका बेटा जो होगा वो राजा बन जाएगा. और लोकतंत्र का मतलब ये है कि जनता क्या चाहती है. जनता जिसको चाहती है वो देश को चलाएगा. तो देश की जनता ये चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को बहुत अच्छा चलाया और उनके फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहिए. और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि उनकी जो राय है उस राय पे सभी लोग चले, और उन्होंने जातीय समीकरण बनाया यहाँ पर और कुछ खास जातियों को साथ में मिला करके वो नरेंद्र मोदी जी को रोकना चाहते. तो मुझे लगा कि ये ठीक नहीं, ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है. तो मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, ये बताने के लिए आया हूँ कि मैं भी एक यादव हूँ, लेकिन मेरी ये राय है कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री फिर से बनने चाहिए. तो आप लोग भी अपनी राय बताइए, आपका नेता क्या कहता है, उसकी क्या राय है, उस पर मत जाइए. आपकी जो राय है वो बताइए, ये करने के लिए. तो टाइमिंग के हिसाब से आप थोड़ा अगर बताइए कि 2014 में हमने देखा कि जो नरेंद्र मोदी का वेव था तो और भी हाई था. अभी ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि वेदर दे विल बी एबल टू रिपीट व्हाट दे डिड इन उत्तर प्रदेश, तो इसके लिए इस बार आपके लिए ज्यादा चैलेंजिंग नहीं होगा ये? 14 में ज्यादा चैलेंज था, अभी कोई चैलेंज नहीं. 14 में सिर्फ हमको बताना पड़ता था कि नरेंद्र मोदी जी कैसे व्यक्तित्व के आदमी हैं और वो क्या करेंगे. 19 में हमको बताना नहीं पड़ना, जनता हमको बता रही है कि भैया हमारे घर में शौचालय बना है, हमको गैस कनेक्शन मिला है, गरीबों के लिए खेत नहीं बेचना पड़ रहा है, 5 लाख रुपए तक उनको इलाज की व्यवस्था की. तो चैलेंज 14 में था, 19 में कोई चैलेंज नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने सारी समस्याओं को जड़ से खत्म किया. तो मुझे लगता है बहुत आसान है, कोई चैलेंज नहीं. तो आपने ये तो कह दिया कि आप क्यों पॉलिटिक्स में आए और बीजेपी भी आपने क्यों चूज किया. आपके अगेंस्ट में जो खड़े हैं, मतलब ऑलरेडी यहाँ पे काफी एस्टैब्लिश्ड है एज अ पॉलिटिशियन, ही कम्स फ्रॉम वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल फैमिलीज इन उत्तर प्रदेश, तो वो एक बड़ा चैलेंज है आपके लिए? नहीं, चैलेंज नहीं, इसलिए कि अखिलेश भैया को लगता है कि उनके जो भक्त हैं वो सब उनके साथ हैं, तो मैं भी अखिलेश भक्त हूँ. मैं ये बात मानता हूँ, मैं भी चाहता था कि कभी अखिलेश भैया इस देश के प्रधानमंत्री बने, मेरी भी ये राय थी. पर आज जब वो गलत राह पे चले तो मैं उनके साथ नहीं. आज जब उनका विचार ये है कि नरेंद्र मोदी जी से बढ़िया इस देश को राहुल गांधी जी चलाएंगे, तो मुझे लगा कि नहीं, ये आपकी सोच मुझे समझ में नहीं आ रही, तो मैं आपके साथ नहीं हूँ. मैं इस देश की जनता जो चाह रही है कि नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो मैं उस विचार पर चल रहा हूँ. तो मैं ऐसा मानता हूँ कि लोगों को भी ये पता है कि सही क्या है गलत क्या है, वो सच का साथ देंगे, सही का साथ देंगे. अगर मैं अखिलेश भक्त होकर के और आज नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ, मैं मानता हूँ कि आजमगढ़ का बच्चा बच्चा नरेंद्र मोदी जी के साथ.
सर आप एक युवा नेता हैं और हमारा जो ये शो है वो भी युवा नेताओं को लेके ही हम एक ये पूरा सीरीज चला रहे हैं, तो एज अ युवा नेता आप क्या मानते हैं कि किस तरह का पॉलिटिक्स आप प्रैक्टिस करना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को क्या सही लगता है वो करना चाहिए। मैं जाकर के किसी को ये नहीं कहता हूँ कि निरहुआ की फिल्म देखते हो तो निरहुआ जो कह रहा है वो करो, मत करो, अगर ये करोगे तो भी गलत होगा। कभी अखिलेश भैया ने कुछ कहा तो आप वो करने लगे, कभी मायावती जी ने कहा तो आप वो करने लगे, वो मत करो। मैं ये बताने आया हूँ कि निरहुआ जो कहता है वो मत करो, आपको जो सही लगता है वो करो। अगर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होने चाहिए तो आप कमल को वोट दो, भारतीय जनता पार्टी को। आपको लगता है कि नहीं ये जो गठबंधन बना है ये लोग अच्छा करेंगे तो आप उनको वोट दो। मैं ये पॉलिटिक्स करने आया हूँ। बहुत बड़ी बात है और हम आपको अपने कैंपेन ट्रेन में भी फॉलो करेंगे, बट अगर आप हमें थोड़ा सा बताएं कि ऑन ए लाइटर नोट हाउ डू यू स्टार्ट योर डे, कि आपका जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत ही जल्दबाजी में और ऐसे मेरे तरह मीडिया वालों के साथ या सबके बीच में बैठ के करना पड़ रहा है, तो लाइफ कैसे चेंज हुआ अभी एक्टर से एज अ पॉलिटिशियन? नहीं मेरे लिए कुछ चेंज नहीं हुआ, जब मैं सिनेमा करता हूँ तो वहाँ भी यही हाल रहता है। हम लोग दिन भर शूटिंग करते हैं, खाने का समय नहीं मिलता है, रोड पे ही ऐसे रोटी में सब्जी लेके और रोड पे ही खा लेते हैं, तो मुझे आदत है इसकी, इसके लिए मुझे कोई मतलब चेंज नहीं करना। अच्छा, आप सब सबके बीच में ही रहने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हम आपको वी विल कंटिन्यू टॉकिंग टू हिम।